तो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊं कैसे आप अपनी वाइट लिस्ट को सही तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को या पहचान सकते हैं क्या आपकी ऑडियंस देखना चाहती है। और वाइट लिस्ट की हेल्प से आप अपने व्यूज भी इंक्रीज कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को आप पहचान सकते हैं और आपको किस समय वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सब चीज़ हम डिटेल में सीखने वाले हैं वाइट लिस्ट की हेल्प से। वैसे तो हम यूज करते हैं वाइट लिस्ट खाली अपने व्यूज देखने के लिए, सब्सक्राइब वगैरह देखने के लिए और वॉच टाइम वगैरह देने के लिए, पर आपको पता नहीं क्या, इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने व्यूज वगैरह बढ़ा सकते हैं, अपनी ऑडियंस को पहचान सकते हैं कि वो किस समय एक्टिव रहती है, किस समय एक्टिव नहीं रहती है और वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहती है, किस तरह का कंटेंट नहीं देखना चाहती है। अपनी ऑडियंस को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं वाइट लिस्ट की हेल्प से। तो आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, नहीं तो आपको कुछ समय में नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मॉल के स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको वाइट टी स्टूडियो कर लेना ओपन। तो जैसे दोस्तों हम आ गए वाइट टी स्टूडियो के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाइट टी स्टूडियो की हेल्प से यहाँ पे आप काफी अच्छी व्यू गेन करे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मोस्ट व्यू पे करता हूँ क्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर 4,000 व्यू और 1 महीने के अंदर 1,500 व्यू, 1 महीने के अंदर 1,000 व्यू और 900-800 तक मेरी वीडियो मतलब वायरल होने लगी हैं, हजारों मेरी वीडियो पे व्यू आने लगे हैं। खाली मैंने वाइट टी स्टूडियो के बारे में जाना कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे अपनी ऑडियंस को समझ सकते हैं, हमारी ऑडियंस किस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखती है, इन सब चीज़ों को मैंने वाइट स्टूडियो में से देख कर सीखा। तब मैंने अपनी वीडियो उस तरीके से बनाई, तब मेरी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी और अपनी वीडियो प्रॉपर SEO भी करा। SEO को भी मैं बताऊँ कैसा वाइट स्टूडियो देख कर अपने बड़े तरीके से SEO भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पर आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाता है, यहाँ पर आपको व्यूज दिख जाते हैं, वॉच टाइम दिख जाते हैं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको नीचे मतलब पैसे वगैरह भी देखने लगे, कितनी डॉलर की अर्निंग हुई नहीं हुई है। तो अभी मेरे साथ मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए वीडियो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 3 वीडियो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर व्यूज कितना है, क्लिक रेट क्या है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है और यहाँ पर देख सकते हैं व्यूज कितने आए हैं, सब चीज़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है हल्की फुल्की देखने के लिए। और फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अभी कंटेंट का, जो भी आपने वीडियो डाउनलोड करी है वो आपको यहाँ से दिख जाती हैं। यहाँ पर आपको यहाँ आप शॉर्ट पे क्लिकेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट आपकी वीडियो दिए कि शॉर्ट वीडियो पे मतलब कितने व्यूज़ आए हैं, क्या क्या चीज़ है। और यहाँ पे लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपने कौन कौन सी लाइव स्ट्रीम करी है वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी और कितने व्यू आए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्ले लिस्ट भी दी जाएगी, प्ले लिस्ट मतलब कितने व्यूज़ आ रहे हैं और कितनी वीडियोज़ हमारी डली होंगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर। एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में तो पूरी कहानी दी गई है कैसे क्या चाहिए, पूरी कहानी समझाऊंगा अभी मैं आपको। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कमेंट का, तो आपके वीडियो में रिसेंट कमेंट कौन कौन से आए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अर्न का, यहाँ से आपको मतलब जो क्राइटेरिया होता है ना यूट्यूब का वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 5 सब्सक्राइबर और 3 घंटे का वॉच टाइम चाहिए आपको और 3 वीडियो आपके पब्लिक होनी चाहिए, तब आप हाफ मोनेटाइजेशन करा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर फुल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको चैट एंड ईमेल सपोर्ट भी मिल जाती है आपको और कॉपीराइट मैच टूल मिल जाता है एक्सटर्नल वगैरह जो भी चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में करते हैं क्लिक, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू का, तो हम व्यू पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको 7 दिन के अंदर कितने व्यूज़ मिले हैं, 28 दिन के अंदर कितने मिले हैं, 90 दिन के अंदर कितने, 365 दिन के अंदर कितने मिले हैं, अगले महीने कितने मिले वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हमें 90 दिन पर क्लिक करा है तो 90 दिन का डाटा दिखा दिया, 15,000 व्यू मुझको मिले हैं यहाँ पर। और सबसे ऊपर वाले यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर जो लाइन जा रही है इस पर करता हूँ क्लिक, 7 अक्टूबर को मुझे 903 व्यू मिले हैं, मतलब बहुत हाई गया है मेरा ग्राफ। तो ये वाला सेक्शन तो हमारा हो चुका है, इसको हम हटाते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको साइड, तो यहाँ पे आपको वॉच टाइम मिल जाते हैं, वॉच टाइम पर हम करते हैं क्लिक। यहाँ पर भी आप 7 दिन 28 दिन और अगले महीने करके 90 दिन पे 365 दिन करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितना वॉच टाइम मिला, कितने दिन के अंदर मिल रहा है, अगले महीने का वॉच टाइम क्या था, उससे अगले का क्या था और लाइफ टाइम का कितना वॉच टाइम है। लाइफ टाइम में करता हूँ क्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं 650 में वॉच टाइम मिला है। यहाँ पे सब्सक्राइबर देख सकते हैं, सब्सक्राइबर में करता हूँ क्लिक तो 28 दिन के अंदर मुझे 32 सब्सक्राइबर मिले हैं। और 365 पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे देख सकते हैं 350 मेरे को सब्सक्राइबर मिले हैं। यहाँ से भी बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे ले सकते हैं, यहाँ पे देते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा पॉडकास्ट का, यूट्यूब के अंदर पॉडकास्ट का फीचर आया है, वहाँ पर भी आप अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ दिए जाएंगे टॉप कॉन्टेंट, मतलब की 28 दिन के अंदर जो टॉप कॉन्टेंट हमारा कौन सा वो आप इसमें क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि सबसे मेरी बढ़िया वीडियो ये चली है, अनऑरिजिनल कंटेंट वाली सबसे बढ़िया वीडियो चली है, 28 दिन के अंदर 1,000 व्यू आए हैं इस पर। तो सबसे बढ़िया वाली वीडियो मेरी ये वाली चल रही है 28 दिन के अंदर। अब 90 दिन
क्लिक करके चेक कर सकते हैं, 365 दिन करके चेक कर सकते हैं, और महीने पर क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं, और लाइफ टाइम पर क्लिक करके वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं बैक। अब बैक करने बाद फिर आपको यहाँ पे रियल टाइम का ऑप्शन दिया जाता है। मतलब रियल टाइम का मतलब होता है 48 घंटे के अंदर कितने व्यू आ रहे हैं और 60 मिनट के अंदर कितने व्यू आ रहे हैं। यहाँ 48 घंटे में करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन वाली वीडियो से मेरे को इतने इतने व्यू आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनऑरिजिनल वाली वीडियो से मेरे को 127 व्यूज आए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब कॉपी पेस्ट वाली वीडियो से मेरे 70 व्यू आए हैं, इससे 21 हैं कि इससे 14 हैं 7 हैं, इस वाली वीडियो से इतने व्यू आ रहे हैं 48 घंटे के अंदर। तो ये वाला हमारी चीज हो चुकी कंप्लीट। फिर इसके बगल में आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है रिसर्च का। ये रिसर्च का ऑप्शन क्या होता है, जैसा आपको अपनी वीडियो के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपकी कैटेगरी से रिलेटिव आपको वीडियो दिखाता है, तो इन टॉपिक का आप वीडियो बना सकते हैं। ये टॉपिक सर्च में ज़्यादा जा रहे हैं तो इन टॉपिक का आप वीडियो बना सकते हो, तो आपकी वीडियो को वायरल होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर मतलब टॉप सर्च कौन सा कीवर्ड वो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि न्यू वीडियो एडिटिंग 2023 मतलब वो कीवर्ड आपको यहाँ पर दिखा देगा, इन टॉपिक आप वीडियो बना सकते हैं। वीडियो सर्च में जाने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी वीडियो के, और भी आपके वीडियो में जाती हैं, और आप यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके वो भी आप यहाँ पर सर्च करें। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लिया YouTube चैनल कैसे बनाएं, मैं यहाँ पर सर्च टर्म पर करता हूँ क्लिक। सर्च टर्म पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सर्च डू ऑन YouTube पर करना है क्लिक। यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, सबसे ऊपर वाला जो कीवर्ड है ये हाई वॉल्यूम पर मतलब ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, ये वाला कीवर्ड इसका वॉल्यूम मीडियम है, फिर इसके नीचे हाई वॉल्यूम है लो वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड दिए जाते हैं, इनका आप इसकी शॉट लेकर और अपने डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, अपने वीडियो के टैग में भी ले सकते हैं, और अपने वीडियो का और अपनी वीडियो का इसमें से टाइटल भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा आप यहाँ पे रिसर्च टूल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम बैक कर लेते हैं, और भी आपको इससे रिलेटिव जो आपको इससे रिलेटिव आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, 3 वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और कीवर्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 3 कीवर्ड मिल जाते हैं जो ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं बैक। यहाँ पर हमारा रिसर्च वाला ऑप्शन हो चुका है कंप्लीट, और जो ओवरव्यू वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कंटेंट वाले ऑप्शन पर। अब कंटेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑल पे करना है क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू व्यूअर्स, यहाँ पे जो न्यू व्यूअर आया ना तो वो हमारे किस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वो हमारे लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, शॉर्ट को कम देख रहे हैं। मैं शॉर्ट ज़्यादा डालता नहीं, लॉन्ग डालता हूँ, इस वजह से न्यू व्यूअर में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो पर हैं, और लाइव पर मतलब थोड़े बहुत हैं, लाइव तो मैं करता नहीं, बहुत कम करता हूँ। और यहाँ पर आप टॉप कंटेंट जैसे जो मैंने पहले आपको बताया था वो आप कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं कि 90 दिन के अंदर कितने हैं, और दिस वीक कितने हैं, और मंथली भी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम इसको आगे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्निंग व्यूअर, मतलब रिटर्निंग व्यूअर किस पे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं रिटर्निंग व्यूअर किस पे ज़्यादा आ रहे हैं। वो हमारे लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लाइव पर आ रहे हैं, और टॉप कंटेंट कौन सा जिस पे रिटर्निंग व्यूअर आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं वो कंटेंट हमारा ये वाला है। और यहाँ पर मैं इसको साइड करता हूँ, इसको दोबारा इधर क्लिक करता हूँ, मतलब इस पे सब्सक्राइब पे मैं करता हूँ क्लिक, तो 28 दिन के अंदर हमारे सब्सक्राइब किस वजह से आए हैं, ये जो आपको 25 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं किस फॉर्मेट की वीडियो से मिले हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे को लॉन्ग वीडियो हमने डाली उससे हमारे 25 सब्सक्राइबर गेन हुए, शॉर्ट वीडियो से एक भी सब्सक्राइबर नहीं गेन हुआ ना लाइव से गेन हुआ है, और इन वीडियो से मेरे को सब्सक्राइबर यहाँ पर गेन हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो इस वाली वीडियो से 8 सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, और इससे 3 हुए हैं, और इससे 2 हुए हैं, और इससे भी 2 हुए हैं, इससे भी 2 हुए हैं सब्सक्राइबर 28 दिन के अंदर। यहाँ पर आप बैक कर लेते हैं, फिर हम नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे व्यूवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपके जो व्यूवर्स हो आपके मतलब किस फॉर्मेट की वीडियो आपके देख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट की देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं लॉन्ग वीडियो देखी जा रही हैं, और पब्लिश्ड कॉन्टेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड कॉन्टेंट जो है मेरा वो वीडियोज़ है मेरी लॉन्ग वीडियो। अब मैं आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हाउ व्यूअर फाइंड यू, मतलब कि आपके जो व्यूअर वो आपको मतलब कि किस तरीके से आपकी वीडियो पे पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ब्राउजर फीचर हमारा वो होता है, जैसे आप यूट्यूब पे ओपन करते हैं ना तो आपको जो वीडियो रिकमेंड होती है होम पेज पर आप इनसे स्क्रॉल करते हैं, वो हमारा होता है ब्राउजर फीचर, उससे मतलब कि उससे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा मेरे यूट्यूब सर्चे से व्यू आ रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो ऐसी अच्छी तरीके से कराया इस वजह से दूसरे नंबर में यूट्यूब सर्चे से मतलब कि व्यू आ रहे हैं, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे सजेस्ट वीडियोस आ रहे हैं, फिर चैनल पे से और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि नोटिफिकेशन से एंड स्क्रीन प्ले लिस्ट और बहुत हैशटैग से भी मेरे व्यू आ रहे हैं यहाँ पे बस दे सकते हैं कि बहुत सारे फीचर से मेरे वीडियो पे व्यू आ रहे हैं यहाँ पे दे सकते हैं आप। यहाँ पर 60 मिनट पर क्लिक करके चेक करते हैं 48 घंटे
390 दिन और अगले महीने आपको कितने व्यू मिले वो चेक कर सकते हैं, और लाइफ टाइम पे क्लिक करके वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा जीबी ऑप्शन हो चुका है और हम वीडियो वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमको ये वीडियो का डाटा दिखा देगा, व्यू कितने मिले हैं और हमको यहाँ पे इंप्रेशन कितने मिले हैं। यहाँ पे मैं इंप्रेशन वाले ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक। इंप्रेशन हमारा मतलब वो होता है कि यूट्यूब ने हमारे 28 दिन के अंदर इंप्रेशन कितने भेजे, मतलब कि कितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचाई, उनने हमारी वीडियो क्लिक करके देखी, तो वो हमारे होते हैं इंप्रेशन। यहाँ पर आप 28 दिन करके चेक कर सकते हैं, 90 दिन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने 28 दिन करके चेक करा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मेरे इंप्रेशन डाउन होने लगे हैं। 1 नवंबर से मेरे इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ डाउन हुए। फिर यहाँ से हल्का सा उठा है, 6 नवंबर को उठा है, फिर 6 नवंबर के बाद फिर डाउन गया है, फिर हल्का सा उठा है 13 नवंबर को, फिर डाउन, अब डाउन ही जा रहा है मेरे इंप्रेशन। फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल करते तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट के थोड़े बारे में बताता हूँ। जैसे कि यूट्यूब ने 100 लोगों के पास हमारी वीडियो भेजी, उसमें से खाली 4 लोगों ने मेरी वीडियो पे क्लिक करा तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा 4%। जैसे कि आपकी वीडियो 100 लोगों तक भेजी, अगर 15 लोगों ने क्लिक करा तो आपका 15% क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा। तो ऐसा आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। इसमें और 90 दिन क्लिक करके चेक कर सकते हैं, 365 दिन क्लिक करके चेक कर सकते हैं, और ऐसे आप 7 दिन वगैरह ऐसा आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ मिल जाता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इसको हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता क्या है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है, जैसे कि आपकी अगर जैसे 10 मिनट की वीडियो है कि आपकी ऑडियंस 2 मिनट देख रही है तो आपका ऑडियंस रिटेंशन हो जाएगा 2 मिनट तक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 28 दिन के अंदर ऑडियंस रिटेंशन आए 1 मिनट 41 सेकंड का। अगर मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई है उस पर ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है 1 मिनट का, मतलब मेरी 1.5 मिनट तक मेरी ऑडियंस रुक रही है। मुझे अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है तब मेरा ऑडियंस रिटेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा। या फिर मेरा ऑडियंस रिटेंशन मतलब कि मीडियम चल रहा है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मीडियम चल रहा है, तो मुझे अपनी ऑडियंस रिटेंशन सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर टॉप वीडियो जगह हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि टॉप वीडियो कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ व्यूअर फाइंड दिस वीडियो, इसका ऑप्शन मैंने बता दिया था। जो आपके व्यूअर्स हैं ना वो आपको मतलब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ब्राउज़र फीचर से देख रहे हैं, यूट्यूब सर्च से देख रहे हैं, सजेस्टिंग वीडियो से मेरे व्यूअर देख रहे हैं मेरी वीडियो को। जैसे मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, आगे करें यहाँ पर देखते हैं यूट्यूब सर्च टर्म। अब ये हमारा काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इस पर हम करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं मैं बहुत सारे कीवर्ड आपको मैं लिखे हुए देख रहे होंगे, है ना। ये कीवर्ड मैंने इन्हीं कीवर्ड की वजह से मेरी वीडियो सर्चिंग में जा रही है। यहाँ पे देखते हैं अनऑरिजिनल कंटेंट फेसबुक वॉलेंस, तो इस वाले कीवर्ड से मेरी ज़्यादा वीडियो सर्चिंग में जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो इस वाले कीवर्ड से सर्च में जा रही है ना। और यहाँ पे कीवर्ड है कि प्रेजेंट नॉट स्टेबल टू फेसबुक पेज, अनऑरिजिनल कॉन्टेंट वॉलेंसन, यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल भविष्य जी, और साउंड इफेक्ट, हाउ टू रिव्यू ऑल अनऑरिजिनल कॉन्टेंट। यहाँ पे मेरे बहुत सारे कीवर्ड से मेरी यूट्यूब सर्च में जा रही है। अब आपको क्या करना है, इन वाले कीवर्ड को आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर, स्क्रीनशॉट लेने वाले जो भी यहाँ पे आपको कीवर्ड दिख रहे हैं ना, इनको आपको अपनी वीडियो के टैग में डाल देने हैं। टैग में डालने से ये होगा कि आपकी वीडियो के सर्च में जाने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम ऐसे हटा लेते हैं, फिर हम आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। देखते हैं कॉन्टेंट सजेस्टिंग यू, मतलब कि मेरी जो वीडियो ना वो लोगों को सजेस्ट हो रही हैं। अब सजेस्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी वीडियो ना जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना उनके नीचे मेरी वीडियो सजेस्ट करके आ रही है, हमारी वीडियो सजेस्ट करके आ रही है। ज़्यादा वीडियो नीचे वीडियो सजेस्ट करते हैं ना तो वो हमारा ये वाला फीचर है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे मेरी वीडियो सजेस्ट करी आ रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी मेरी वीडियो सजेस्ट करी है, बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे मेरी वीडियो सजेस्ट करी आ रही हैं, इस वजह से मेरी वीडियो भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। इसको हम बैक कर लेते हैं, फिर हम आगे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक्सटर्नल साइड आर ऐप, मतलब कि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ आपकी वीडियो शेयर करी आ रही है। देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करी आ रही है, फिर यहाँ टेलीग्राम पर शेयर करी जा रही है, टेलीग्राम मैसेंजर पर शेयर करी जा रही है, whatsapp.com पर शेयर करी जा रही है, टेलीग्राम पर शेयर करी जा रही है, इंस्टाग्राम पर शेयर करी जा रही है, या मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियो शेयर करी जा रही है। यहाँ पर दे जाते हैं प्लेलिस्ट फीचर यू, मतलब मेरी प्लेलिस्ट से भी व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल करते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है की मोमेंट फॉर ऑडियंस रिटेंशन, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन किस वीडियो पर मिला है। यहाँ पर मैं टॉप मोमेंट पर करता हूँ क्लिक, सबसे ज़्यादा मुझे ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे मिला इस वाली वीडियो से, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेकंड से लेकर 7 मिनट तक, मतलब काफ़ी अच्छा ऑडियंस रिटेंशन मिला है। तो यहाँ पे आपको वीडियो का सबसे ज़्यादा स्क्राइब मतलब किस वीडियो पर करा, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली वीडियो ज़्यादा स्क्राइब करा गया है। यहाँ पे डी पे मैंने क्लिक करा
तो क्लिक करने पर यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस है ना वो सबसे ज़्यादा किस पार्ट को देख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 36 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक मेरी जो वीडियो है ना उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर से मेरी वीडियो देख रही है मेरी ऑडियंस। तो इसको हम अभी उठा लेते हैं और इंट्रो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मतलब हमारी वीडियो किस वीडियो का इंट्रो हमारा ठीक है वो हम यहाँ पे इंट्रो पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। 70% मतलब इसका इंट्रो अच्छा है, इसका इतना अच्छा है, इसका इतना अच्छा है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब उठाने वाले यहाँ पे आपको शॉर्ट पे क्लिक करके हमारी जो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे शॉर्ट पे कितने व्यूज़ आए वो सब चीज़ आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वो पुरानी चीज़ है यहाँ पर लाइव पे क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट पे कितने इंप्रेशन जा रहे हैं, कितने मतलब कि लाइक्स आ रहे हैं और कितने सब्सक्राइबर आपको मिल रहे हैं और कितने मतलब कमेंट वगैरह आ रहे हैं, कितने पोल आपने डाली हैं और कितने आपने पोस्ट डाले हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑडियंस वाले ऑप्शन पर। ऑडियंस वाले ऑप्शन पर आने वाले यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है और किस समय पर देखना चाहती है। आप अपने ऑडियंस को इस वाले ऑप्शन से अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि उनको क्या पसंद है, कौन से यूट्यूबर्स पसंद हैं, कौन से वो वीडियो पसंद करते हैं, किस टाइम पर पसंद करते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आप सबसे पहला वाला ऑप्शन हमारा रिटर्निंग व्यूअर्स पर हम करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने पर यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगी कि मतलब 28 दिन के अंदर आपके पास न्यू व्यूअर कौन से आ रहे हैं, रिटर्निंग व्यूअर कौन से आ रहे हैं। न्यू व्यूअर तो आप जानते हैं जो न्यू व्यूअर हमारे वीडियो पर आ रहे हैं वो हमारे न्यू व्यूअर होते हैं और रिटर्निंग व्यूअर हमारे वो वाले जैसे कि हमारी वीडियो एक बार देख ली वो हमारी वीडियो बार बार देख रहे हैं, किसी भी दूसरी वीडियो देख रहे हैं, तीसरी वीडियो देख रहे हैं और उसको बार बार देख रहे हैं तो हमारे रिटर्निंग व्यूअर बन जाते हैं। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर कमा रहे हैं तो आपको अपने कॉन्टेंट को सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेरे जो न्यू व्यूअर हैं 3000 मेरे न्यू व्यूअर आए हैं और रिटर्निंग व्यूअर खाली मेरे, तो यहाँ पे मेरे रिटर्निंग व्यूअर यहाँ पे मेरे मीडियम है, ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मतलब आप मेरी अपनी वीडियो में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर है ना वो आने लग जाएंगे और जिस टॉपिक वो वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक में वीडियो बनानी पड़ेगी, तब मेरे रिटर्निंग व्यूअर आने लग जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, घटाने नहीं है। 90 दिन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, 365 दिन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे नवंबर पे चेक कर सकते हैं, अक्टूबर पे चेक कर सकते हैं, सितंबर पे चेक करते हैं, लाइफ टाइम पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं से बैक। अब बैक करने के बाद फिर आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं फिर आपको मिल जाता है यूनिक व्यूअर। अब यूनिक व्यूअर हमारे जो रिटर्न व्यूअर होते हैं उनसे थोड़ा मैच करते हैं। यूनिक व्यूअर हमारे वो व्यूअर होते हैं जो हमारी वीडियो बार बार तो देखते ही हैं ना, वो हमारे मतलब हर वीडियो पे मतलब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और हमारी वीडियो को अच्छे मतलब अच्छी तरह से देखते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक देते हैं, वो हमारे यूनिक व्यूअर होते हैं। जब हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं वो तभी हमारी वीडियो देख लेते हैं, वो हमारे यूनिक व्यूअर बन जाते हैं। स्क्रॉल का बॉल में स्क्रॉल करता हूँ जब हमारे सब्सक्राइबर का दिखेगा, मतलब कि सब्सक्राइबर तो हमने बता दिया आपको, अब हम मुझे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वैन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, जो आप जो ऑडियंस है ना वो किस समय मतलब यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ऑडियंस तो मतलब कि यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ऑडियंस है ना वो 6 बजे से मतलब कि एक्टिव हो जाती है। इसमें मैं करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने में जो मेरी ऑडियंस है ना वो 6 बजे से एक्टिव हो जाती है यूट्यूब वाला, यूट्यूब पर आ जाती है, वीडियो वाला देखने लग जाती है, तो उस समय मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। वो मेरा बेस्ट टाइम रहने वाला है वीडियो अपलोड करने है, इस समय में अगर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो मेरी ऑडियंस तुरंत देख लेगी। और यहाँ से आप क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है मंडे को ज़्यादा एक्टिव रहती है, सैटरडे को रहती है, संडे को रहती है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको हम अब बैठा लेते हैं। अब उठाने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे किस एज की ऑडियंस हमारी वीडियो को ज़्यादा देख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर 24 साल के जो लोग हैं ना वो मेरी वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो मेरी वीडियो को 60% देख रहे हैं और 25 से लेकर 34 साल की उम्र के जो लोग हैं ना वो मेरी वीडियो को 35% देख रहे हैं और जो 35 से लेकर 44 साल के जो लोग हैं ना वो मेरी वीडियो को खाली 3.9% लोग ही देख रहे हैं। तो इससे भी मेरे को आइडिया मिल जाता है मेरे को अपनी वीडियो अपलोड किस समय करनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 18 से लेकर 24 तक के या तो वो कॉलेज जाते होंगे या तो वो स्कूल जाते होंगे, वो किस समय पे फ्री रहते हैं कि लंच टाइम पर या कोचिंग वगैरह के बाद जब फ्री होते हैं ना तो उस समय आप अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। और जो 25 से लेकर 34 साल तक के मतलब जॉब वगैरह पर जाते हैं वो किस समय फ्री रहते हैं ना तो उस समय आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिर हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है जेंडर का, मतलब कि हमारी वीडियो को मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं मेल देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 95.9% हमारी वीडियो को मेल ही देख रहे हैं और फीमेल हमारी 4.1% ही देख रही है खाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोग्राफिक, मतलब कि किस कंट्री में मेरी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैं इस पर करता हूँ क्लिक।
अब क्लिक करने पे सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो देखी जा रही है इंडिया में, देखी जा रही है, फिर मेरी बांग्लादेश में देखी जा रही है, और फिर मेरी पाकिस्तान में, नेपाल में, और यूनाइटेड स्टेट में भी देखी जा रही है। और कितने परसेंट देखी जा रही है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 85%, 0.7%, 4%, 2%, 2%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप सबटाइटल्स CCC लैंग्वेज, मतलब कि तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में सबटाइटल ऐड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 99.9% मैं अपनी वीडियो में सबटाइटल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, मतलब आपकी जो आपकी ऑडियंस है, मतलब आपकी वीडियो वॉच कर रही है तो वो आपको सब्सक्राइब कर रही है या नहीं कर रही, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरी वीडियो जो देख रही है ऑडियंस, वो मेरे को सब्सक्राइबर नहीं कर रही है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको वीडियो सब्सक्राइब कर दें। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है व्हाट योर ऑडियंस वॉच, मतलब आपकी ऑडियंस किन लोगों की वीडियो देख रही है। वो अभी मेरे यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है और अभी मेरी वीडियो लाखों तक गई नहीं है, मतलब वायरल हुई नहीं है, इस वजह से मेरे को ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, चैनल एंड चैनल डेट योर ऑडियंस वॉच, मतलब कि मेरी ऑडियंस किन चैनलों को ज़्यादा देख रही है, वो चैनल वो मुझको ऑप्शन अभी यहाँ पर मिले नहीं है। ये दो ऑप्शन मुझको मिलेंगे बाद में, तब मेरे मतलब लाखों भी आएंगे या मेरे हज़ारों में सब्सक्राइब हो जाएंगे, तब मेरे को ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे फॉर्मेट डेट योर व्यूवर्स वॉच ऑन यूट्यूब, मतलब मेरी जो ऑडियंस है ना वो मेरे किस फॉर्मेट की वीडियो को ज़्यादा देख रही है, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो ज़्यादा देख रही है और शॉर्ट को देख रही है, लाइव को मेरी कम देख रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट से बता सकते हैं, और YT स्टूडियो में आप अपनी वीडियो को एनालाइज कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने अच्छी वीडियो बनाई है, जहाँ मैंने एंड स्क्रीन में लगा दी, वो उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।